आएगा उसमें 2 किलो का अंतर आता है। खरगोन जिला मुख्यालय में खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद मुजालदा के पक्ष में चुनावी आम सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इस मौके पर गृह मंत्री बाला बच्चन, सांस्कृतिक एवं आयुष मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, कृषि मंत्री सचिन यादव, क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी और खरगोन बड़वानी के विधायकों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के साथ नागरिक मौजूद थे। खरगोन से अजय तिवारी के साथ राहुल पंड्या की रिपोर्ट। भैया एक बात बताइए, देश में एक नया नारा चला है, मैं टेस्ट करता हूँ, जहां मैं जाता हूँ मैं टेस्ट करता हूँ कि नारा पहुंचा नहीं पहुंचा, तो मैं आपके इजाजत से टेस्ट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। पहुंच गया, कोने कोने में पहुंच गया, ये फैल गया सब जगह। नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा था, भाइयों और बहनों, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। अब नारे के बाद नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के सब लोगों के नाम के पीछे चौकीदार लिखवा दिया, अरुण जेटली चौकीदार, नरेंद्र मोदी चौकीदार, गडकरी जी चौकीदार, अनिल अंबानी चौकीदार, विजय अंबानी चौकीदार, ललित मोदी चौकीदार, नीरव मोदी चौकीदार, ये सब चौकीदार। और हिंदुस्तान का किसान देखता है ये भैया चौकीदार ने क्या किया, हिंदुस्तान का मजदूर देखता रहा चौकीदार ने क्या कर दिया, माता के बहने देखते रहे भैया चौकीदार क्या कर दिया, चौकीदारी इसने अनिल अंबानी की थी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जी की। भाई और बहनों, किसान के घर के सामने आपने कभी रात के समय चौकीदार देखा है ना? इंटरव्यू में मुझे अभी आज रवीश जी ने पूछा, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, 3 घंटा सोते हैं, बाकी समय नरेंद्र मोदी जागते हैं। जब बाकी दुनिया सोती है नरेंद्र मोदी जागता है। रात को अनिल अंबानी को पैसा देते हैं। अच्छा भैया, इतना काम करते हैं, तो मैंने कहा देखिए नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, मुझसे डिबेट कर ले, आए भ्रष्टाचार पर मुझे डिबेट कर ले, 3 घंटा सोते हैं। मगर जब मैंने पार्लियामेंट में राफेल का सवाल उठाया तो पूरी रात जागते हैं मगर जवाब नहीं दे पाए। नंबर है 72,000 रुपए, ये हिंदुस्तान को बदलने वाला नंबर है, ये गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक वाला नंबर है, ये हिंदुस्तान से गरीबी को मिटाने वाला नंबर है, लिखा उन्होंने। मैंने कहा ये क्या है, कहते राहुल जी ये 72,000 रुपए, धन्यवाद, ये 72,000 रुपए आपने कहा था, ये आप 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट में डाल के दे सकते हो। मैंने कहा कितने समय में, कहते 1 साल में। मैंने कहा मतलब 5 साल में 3,60,000, कहते हाँ। मैंने कहा मतलब 1 महीने में 6,000 रुपए, हाँ। सच्चाई निकली। भाइयों बहनों, 2019 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान के सबसे गरीब 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में, आप सबके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 72,000 रुपए साल का डालने जा रही है।